वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टेस्टी भिंडी। तो ये देखिए, बस भिंडी काटी है और एक को फ्रेश भिंडी है, एक प्याज लिया है, उसमें 6-7 हरी मिर्ची काटी है। तो ये सबसे मेन चीज़ है भिंडी में कि हमें ग्रीन चिलीज का ही यूज़ करना है। जितना आप ज़्यादा तेज खाते हैं तो 7-8 हरी मिर्ची ले लें, नहीं तो 4 या 5 तो ज़रूर ले लें। और एक छोटा टमाटर मैंने कट किया है, ज़्यादा टमाटर इसमें लेना नहीं है, पीसना नहीं है, क्योंकि भिंडी में जो लार आ जाती है वो टमाटर के कारण ही आती है, पानी के कारण, इससे पानी ज़्यादा हो जाता है टमाटर से। तो ये देखिए, और मैंने छिलका नहीं उतारा टमाटर का, मैंने छिलका ऐसे ही रखा है, बिना छिलका उतारे ज़्यादा टेस्टी भिंडी बनती है। तो सबसे पहले, और ये मैंने लिया है अजवाइन और हींग का तड़का, इसमें मैं लगाऊंगी, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने तेल गरम कर लिया है और सरसों का तेल मैंने लिया है, उसको पहले गरम कर लिया है, अब ये मैंने डाल दिया, ये देखिए, इसको एक बार हल्का सा भून लेंगे अजवाइन को। और ये स्लो पे ही भूनें, ज़्यादा तेज आंच पे कुकिंग ना करें, स्लो पे, बिल्कुल अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। ये देखिए, मैंने इसमें प्याज डाल दी है, हींग और अजवाइन बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, टेस्ट के लिए भी दोनों अच्छे होते हैं। तो आप दोनों चीज़ का इस्तेमाल करें। लहसुन वगैरह का इसमें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मिर्ची इसमें ज़्यादा डालती हूँ, मिर्ची का स्वाद भिंडी में बहुत ही अच्छा लगता है, हरी मिर्ची का। और थोड़ी सी मैं रेड भी डालूँगी, पर हल्की सी रेड डालूँगी ताकि इवनली हमारी पूरी सब्ज़ी में मिर्ची रहे, क्योंकि हरी मिर्ची तो कहीं कहीं पर ही वो करेगी। तो थोड़ी सी लाल मिर्च से ना पूरी सब्ज़ी में एक तीखापन आ जाता है, हरी मिर्ची अपना स्वाद देती है सब्जी में, ठीक है। तो मैं प्याज भून लूँगी थोड़ी सी तेज आँच पे, स्लो पे नहीं भूनेंगे प्याज को, प्याज को थोड़ा तेज आँच पर ही भूनेंगे, हमें ज़्यादा रेड भी नहीं करनी है इसको। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे भिंडी को कभी भी गीला ना काटें, ठीक है, कभी भी इसको गीला ना काटें, हमेशा अच्छे से धोकर ड्राई करके, जैसे आपको जल्दी है बनाने के लिए तो धोकर किसी कपड़े में लपेट कर इसको ड्राई कर लें। अगर टाइम है तो इसको थोड़ी देर के लिए टोकरी में रख के छोड़ दें ताकि इसका पानी पूरा सूख जाए, तब भिंडी अच्छी बनती है, नहीं तो भिंडी में से पानी लार छूट जाती है और फिर वो ठीक नहीं, मतलब टेस्टी भी नहीं बनती है, ऐसे उबली वगैरह, जैसे उबली हुई सब्जी होती है ऐसा टेस्ट आता है, ठीक है। तो ड्राई करना मत भूलें भिंडी को, हमेशा पहले बनाने से पहले ड्राई जरूर करें, जल्दी है तो किसी कपड़े में लपेट कर ड्राई कर लें। मैंने सुबह बच्चों को सब्जी बना के दी तो मैंने एक कपड़े में इसको कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर भिंडी रख दी, फिर उसको अच्छे से पोंछ लिया। तो ठीक है, ये मेन बात है भिंडी बनाने के लिए। अब मेरी प्याज यहाँ पे थोड़ी सी रेडिश ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें डालूंगी ये छिलके के साथ ही काटा हुआ है, छिलका ना उतारें, और इसको मिक्स कर लें। और इसको चौड़े पैन में ही बनाएं भिंडी को, कढ़ाई में बीच में ही खट्टी रहती है नीचे की तरफ, तो इतनी टेस्टी नहीं बनती, ये चौड़े पैन में ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि ना इसमें अच्छी तरह भुनती है सारी भिंडी, ठीक है ना, पूरा स्पेस मिलता है भिंडी को, पूरे में ऐसे पूरे में फिर अच्छे से भुन जाती है भिंडी पूरी में। तो ये भी कुछ कुकिंग की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें पता नहीं लगती, तो इससे बड़ा इफेक्ट आता है हमारी कुकिंग में, टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है चौड़े में और फिर कढ़ाई में कौन सी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा बनाते बनाते खुद ही आइडिया हो जाता है कि किसमें कौन कैसा टेस्ट आ रहा है, किसमें सब्ज़ी कैसी बन रही है, ठीक है।
अभी देखिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करेंगे भिंडी में, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है भिंडी में, ठीक है ना। अब ये देखिए हल्की सी गैस स्लो कर लेते हैं, तो देखिए टमाटर बिल्कुल ऐड किए जाए, ठीक है ना। टमाटर बिल्कुल ऐड किए जाए, इनको ऐसे ही रखना है, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। इनको इनको ना दबा के इसको प्रेस करके, प्रेस नहीं करना है टमाटरों को, फोड़ना नहीं है इनको, ठीक है। इसकी पीस ही रहने दें, ठीक है। हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे स्टिर कर लें मसालों को। अब ये देखिए ये मसाला बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, ये देखिए इतनी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं करूँगी, सबसे बेस्ट तो हरी मिर्ची है ये, बस मैंने पूरा ही मल लिया ताकि पूरे में मिर्ची आए थोड़ा सा। तो ये देखिए मसाला पक के अच्छे से तैयार हो गया, तो मैं इसमें डालूँगी भिंडी, भिंडी आधा किलो भिंडी है, ये देखिए। अब बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से इसको मिक्स करना है, सबसे मेन बात ये कि इसको जो हमने नमक मिर्ची वगैरह डाला है अच्छे से भिंडी में मिक्स हो जाना चाहिए, ये नहीं कि हल्का सा स्टीर किया और ढक के रख दी, नहीं, इसको थोड़ी सी देर तक इसको घुमाते रहना ताकि उसका मसाला अच्छे से उसमें स्टिक कर जाए, और जब वो भाप में पके तो वो पूरा अच्छे से उसमें चला जाए, ठीक है। ये देखिए कभी भी स्टील का ये इस्तेमाल ना करें, नॉन स्टिकी पैन में स्टील का इस्तेमाल ना करें, इसमें हमेशा वुडन का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए इसमें आवाज़ दी, ये देखिए इसमें ये जैसे इसमें टच होती है ना, ये देखिए ये इसके साथ ही ये इसको यहाँ से हटाता हुआ चलता है स्टील वाला, नॉन स्टिकी पैन के जो ऊपर की कवरिंग है उसको खुरचता रहता है और वो हमारे खाने में मिक्स होती रहती है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, हमेशा वुडन का इस्तेमाल करें। वुडन से ही इसकी इसकी नॉन स्टिकी पर कोई भी ऐसे हार्म नहीं होता, फिर उसमें हार्म भी नहीं होता, स्क्रैच भी नहीं आते हैं, स्क्रैच स्टील से ही आते हैं और हमारे धीरे धीरे खाने में मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। तो ऐसे भिंडी को अच्छे से 2-3 मिनट तक इसको स्टिर करते रहें, फिर इसको ढक के रख दें। थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू लाइक दिस रेसिपी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर वीडियोज। ओके। बाय। देखिए ये भिंडी बन के तैयार हो गई है, मैंने ढका था इसको, 15 मिनट में भिंडी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल स्लो गैस पे थी, बिल्कुल नहीं चिपकी है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और टमाटर का जो छिलके पीसेस हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। और देखिए मेन चीज़ इसमें मैंने जब मैं ही बताना चाहती हूँ आपको, जब आपने इसको ढका था, जब हम ढकते हैं इसको तो इसको ना थोड़ा पूरा ऐसे कंप्लीट ना ढकें, भिंडी को कभी भी ऐसे पूरा ना ढकें, ये पूरा एकदम ऐसे पूरा ना ढकें, जिससे ये ना थोड़ी सी ज़्यादा बॉयल होने का डर भी रहता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पक जाए, फिर इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हल्का सा इसको इतना हल्का सा हटा के इसको ढक के फिर पकाएं, और बीच बीच में इसको स्टिर, बीच में एक दो बार इसको स्टिर करते रहें, और इसको पूरा कभी भी ना ढकें भिंडी बनाते वक्त। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है टेस्ट में सब्जी के। ये देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा हटा के इसको ढक के तब बनाएं, तो इससे भिंडी देखिए देखिए बिल्कुल भुनी भुनी सी भिंडी बनी है, बिल्कुल भी वो नहीं है, इसकी लार देखो बिल्कुल है नहीं, अलग अलग एकदम भिंडी है ये देखिए, और टेस्ट में भी मैंने इसको चखा है काफ़ी अच्छी बनी है।
और हरी मिर्ची का स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें। देखिए टमाटर सिर्फ आधा ही डालने, आधा टमाटर डालना है और एक प्याज डालनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए भिंडी बनके तैयार हो गई है। ओके गाइस, बाय गाइस।